नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने सौर्य नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जो घटना उसके साथ उसके कुछ सपनों की वजह से घटी थी। कई बार हमारे आधे अधूरे सपने हमें कुछ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ये कठिनाइयाँ भूत प्रेत तो कभी आत्मा चुड़ैल के रूप में हमारे सामने आ जाती है। भाई, सुनकर ऐसा लग रहा हो ना, क्या बकवास कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। होता है, शौर्य के साथ भी हुआ था आज से कुछ साल पहले। शौर्य और उसके सारे परिवार के लोग पुणे में रहते थे, पुणे के एक पॉश इलाके में। इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। शौर्य सुबह सुबह उठता, अपना स्कूल जाता, फिर स्कूल से घर को आता, खाना खाता, फिर अपनी साइकिल उठा के कोचिंग क्लासेस जाता और रात के समय घर लौटता। खेलने कूदने में इंटरेस्ट तो पूरा था, लेकिन समय नहीं मिल पाता था। कभी जभी संडे वनडे को हो गया तो हो गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, शौर्य अपनी कोचिंग क्लासेस कंप्लीट करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। आज मन काफ़ी ज़्यादा उदास था। वो केवल और केवल अपनी कोचिंग के बारे में ही सोच रहा था। दरअसल कोचिंग में कुछ बच्चे पढ़ते थे जो कि हमेशा काफ़ी टाइम से इससे ज़्यादा नंबर्स लेकर आ रहे थे। शौर्य का सपना था कि वो कोचिंग में हर एक सब्जेक्ट में, साथ ही साथ अपने क्लासेस में भी सबसे ऊपर रहे, सबसे ज़्यादा टॉप करे। लेकिन काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी उसकी हर एक जो वो था ना, एक हर एक कोशिश थी, कोशिश ही कहेंगे, वो नाकाम हो रही थी। इसलिए मन उदास था। साइकिल से चला जा रहा है। मन अपसेट होता है तो छोटी छोटी चीज़ भी इरिटेट कर देती है। फट से उसका साइकिल का जो टायर था वो फट गया। बोले ये क्या हुआ, दिमाग खराब। थोड़ी देर घसीटते हुए साइकिल को आगे लेकर गया कि कोई मुझे दुकान दिख जाए, कुछ हो जाए। लेकिन दो दुकान उसके इस रास्ते में पड़ती थी पंक्चर वाली, जो आज बंद थी। तो उसका पूरी तरीके से दिमाग खराब हो गया। हमने साइकिल को छोड़ छाड़ दिया रोड में और बिल्कुल किनारे में जाकर बैठ गया। किनारा मतलब ये एक सुनसान सड़क थी जहाँ पे इक्का दुक्का दुकानें थी और एक तरफ तो समझ लो पूरा जंगल जैसा था। वो डिवाइडर जैसे बने रहते ना, जैसे ये रोड है और रोड के बिल्कुल साइड में ऐसे पत्थर जैसे बने हुए रहते कुछ, उसमें जाकर बैठ गया। थोड़ा थक भी गया था, इरिटेट भी था, तो ऐसे ही सोचते सोचते बैठ गया कि कब वो दिन आएगा जब मैं एक्चुअल खुश हो पाऊँगा। हर एक उम्र के इंसान को अपने अपने लेवल की टेंशन होती है। इसको भी अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की टेंशन थी कि कभी मैं टॉप कर पाऊँगा या नहीं। कितने में इसको रोना आ गया। ये रो ही रहा था सिसक सिसक के कि अचानक से इसके कंधे में कोई हाथ रखता है। ये पलट कर देखता है तो एक औरत थी, यही कोई 30-35 साल की रही होगी, शादीशुदा दिख रही थी, पूरी तरीके से श्रृंगार करी हुई है, प्रॉपर ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, हाथ में पूरी 10 उंगलियों में अंगूठी थी, थंब रिंग भी पहनी हुई थी, सब मतलब पूरी टिप टॉप औरत। ये उसको देखकर थोड़ा डर गया कि इतनी टिप टॉप ये कौन है। मतलब अगर हमको सुनसान इलाके में कोई नॉर्मल इंसान दिख जाए, नॉर्मल हुलिया में नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल लड़की है, उतना डर नहीं लगेगा। लेकिन अचानक से आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर नॉर्मली कोई आता जाता नहीं है, रोड पूरी सुनसान रहती है, वहाँ पर कोई ऐसा दिख जाए, थोड़ी ये चीज़ डरा सकती है। लिटरली आप इमेजिन करके देखो। ये डर गया, बिंदिया बिंदिया के साथ कौन है भाई, बोलता है कौन है आप। बोली कुछ नहीं, तुम्हारी रोने की आवाज़ मुझ तक पहुँची तो सोची मिलकर आ जाती हूँ। उसने बोला अच्छा क्या हुआ, बहुत टेंशन में हो तुम, औरत इससे कहती है, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। ये बोलता है हाँ बिल्कुल भी, मेरी एक छोटा सा ड्रीम है यार, पूरा ही नहीं हो पा रहा है, मुझे टॉप करना है क्लास में। ये बोलती है कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे मैं मिलती हूँ उसके मैं सारे सपने पूरे कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, फिर उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ, बताओ। ये बोलता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अब कैसे, अगर मैं टॉप कर भी लिया तो आप मेरे साथ कैसे रह सकती हैं, मेरा घर, मम्मी पापा, हम लोग बस इतने ही लोग रहते हैं। बोलती चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ तुम जानोगे। ये बोलता अच्छा ऐसी बात है। बोलती है हाँ, जिसको मैं चाहूँगी वही मुझे देख सकता है। ये खुश हो गया, बचपन में परियों की कहानियाँ बहुत सुना हुआ था, इसको लगा कोई परी तो नहीं है। लेकिन ये कोई परी नहीं थी, कोई तो बहुत खतरनाक थी, आगे आपको समझ में आएगा। मन ही मन खुश हो रहा है, अच्छा आप मेरे साथ रहोगी, क्या तरीका क्या है।
बोलती है कि मेरे पास ये अंगूठी है मेरी, ये तुम पहन लो, फिर बस जब मेरे बारे में सोचोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये बोला अच्छी बात है, दे दो दे दो। वो औरत की ना उंगलियां भी थोड़ी मोटी थी और ये तो बच्चा था, क्लास 10th का बच्चा। उसने अपनी मोटी मोटी उंगलियों से एक अंगूठी उतारी और इसकी उंगली में पहना दी, फर्स्ट उंगली में, और इतनी बड़ी अंगूठी इसकी उंगली में भी बिल्कुल नॉर्मली फिट हो गई। बोला ये कैसे हो सकता है, आपकी तो उंगलियाँ बहुत बड़ी है और मेरी उंगलियाँ बहुत छोटी है, ये से फिट कैसे हो गई मुझे। उसने स्माइल करी और अंधेरी तरफ चली गई। इतने में इसको इसकी साइकिल गिरने की आवाज़ आई। ये पलट कर देखा, इसकी साइकिल का जो टायर फटा सा था वो हवा वाला लग रहा है। ये जल्दी जल्दी साइकिल के पास गया, साइकिल को उठाया तो साइकिल के दोनों ही टायर में हवा थी प्रॉपर। बोला ये कैसे हो सकता है, पक्का मुझे कोई परी अप्सरा मिल गई है। ये मनी मन बहुत खुश हुआ, जल्दी से अपनी साइकिल उठाया और घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ी ही आगे साइकिल चलाने के बाद ये नोटिस करता है कि साइकिल बहुत टाइट चल रही है। लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है। ये पीछे पलट कर देखता तो इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। एक स्लिंग बैग जो होता है ना, कोचिंग कॉलेज लेके जाते हैं बच्चे, वो स्लिंग बैग ये लटका कर रखा हुआ था, किताबों वाला। पीछे महसूस हो रहा था कोई बैठकर चल रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद ये लिटरली एक ऐसी जगह पर भी पहुंचा जहां पर भीड़ भाड़ लोग हैं। आता जाता हर एक इंसान इसको बड़े ध्यान से देख रहा है, इसकी साइकिल को बड़े ध्यान से देख रहा है। ये सोच रहा है लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर अचानक से एक अंकल ने जो कि इसके पहचान के थे, साइकिल रोके भी और कुछ बोलना चाहे, लेकिन वो अचानक से घबरा गए, इसे कुछ बोले नहीं, मतलब कुछ बोलने वाले थे, ऐसा रोके, बेटा सुन सुन। और जैसे ही रुका तो अंकल चुप, अंकल की सिट्टी पिट्टी गुल उनके चेहरे से समझ में आ रहा है और कुछ नहीं बोल पर जाओ 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 बोल दिए। इसको लगा अंकल ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, हमेशा तो पटर 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 लगे रहते हैं मुझे जब देखते हैं, तब अभी क्यों नहीं रुकवाने के बाद कुछ बोले, चलो मैं घर जाता हूँ। फिर ज़ोर ज़ोर से पैडल मार मार के घर पर आ गया। आज रात हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, खाना वाना खाया और सोने के लिए जा ही रहा था अपने बिस्तर में कि इसकी मम्मी इसको बोलती है, अरे बेटा एक बात मैं तुझे बताना भूल गई यार, अपने जो एक रिलेटिव है ना दूर के, ये बोलता हाँ जो अभी अभी शिफ्ट हुए यहाँ पे, बोलती हाँ उनके यहाँ ना उनके बेटे का जन्मदिन पार्टी है, उनका पहला जन्मदिन है, तो अपन लोगों को उनके घर चलना है। ये बोलता नहीं मम्मी आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, साइकिल भी पंचर हो गई थी और फिर बहुत घसीट के लेके आना पड़ा, एकदम प्रॉब्लम जैसी हो गई साइकिल में, थक गया हूँ बहुत, मैं सोऊंगा, आप और पापा जाओ। मम्मी बोलती पक्का डरेगा तो नहीं, ये बोलता क्या डरूंगा आप जाओ ना, हो गया मेरा खाना वाना सब हो गया है। मम्मी बोलती ठीक है। मम्मी और पापा दोनों अपनी कार में सवार होकर घर से निकल गए और ये अपने घर पर अकेला। ये लोग पुणे में एक बंगलो सिस्टम टाइप में रहते थे भाई, कोई अपार्टमेंट नहीं था, इनका बंगलो था और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों इनका था और उसके ऊपर छत थी। ठीक है, ये अपने ऊपर वाले ही कमरे में सोता था हमेशा, मम्मी पापा नीचे वाले फ्लैट में रहते थे, नीचे वाले घर में रहते थे मतलब। रात के लगभग 12 बजे के आसपास इसको जोरों की नींद आ गई और ये सोने लगा, लेकिन कुछ तो भी खटर पटर की आवाज़ से इसकी आँखें खुलती है। आँखें खुली तो क्या देखा कि मेरे रूम की खिड़की खुली हुई है और बाहर से बहुत तेज़ हवा आ रही है। ये हल्का बारिश की जो एंट्री हो रही होती है गर्मी ख़त्म होते होते, वो वाला मौसम था, यानी कौन सा हम कह सकते हैं इसको, अगस्त जुलाई 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 का टाइम था, तो उस समय आंधी तूफान अच्छा आता है। तो इसने देखा आंधी तूफान की वजह से खिड़की खुल गई है भड़ाम से, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज़ोर ज़ोर की हवा चल रही है, अच्छा तो लग रहा है लेकिन अंदर को सामान है वो गिरेंगे पड़ेंगे हवा से, तो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। ये सोच के वो खिड़की बंद करने जैसे ही गया तो उसकी नज़र पड़ती है बिल्कुल नीचे की तरफ, फर्स्ट फ्लोर में तो है, इनके घर की एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल भी है। इसकी नज़र नीचे तरफ पड़ी, क्या देखता है कि एक औरत और एक आदमी इनकी घर की बाउंड्री के अंदर ही खड़े होकर बात कर रहे हैं। इसको लगा ऐसा कि कौन आ गए, घर की बाउंड्री के अंदर कोई घुसा तो घुसा कैसे, घर का जो मेन गेट है वो बंद है, लॉक्ड है, चाबी मेरे कमरे मेरे टेबल में रखी हुई, मम्मी पापा तो गए हुए हैं, सेकंड चाबी मम्मी पापा के पास है, ये लोग कौन आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं जो रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ गए हुए हैं वहाँ पे से कोई आ गए होंगे, किसी भी रीज़न से बाहर से आए होंगे, सोने आ गए घर पे हमारा पास है तो,
उसने सोचा कि एक बार मैं जाके पूछता हूँ, अंकल आंटी कौन हो आप। ये सोच के ये अपने फर्स्ट फ्लोर से उतरा, ग्राउंड फ्लोर में गया, दरवाज़ा खोला, जैसे ही बाहर तरफ उस तरफ पहुँचा घूम के, जहाँ पर वो उसको ऊपर से खड़े हुए दिखाई दिए थे, तो क्या देखता है, वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, सिर्फ औरत है। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जो इसको वहाँ पर मिली थी। इसकी साइकिल जब पंचर हुई थी ना, बोली थी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। इसको देखकर घबरा गया, क्योंकि जैसे ये नीचे उसके सामने आया तो बहुत वियर्ड तरीके से बस ऐसा पुतले जैसा देख के इसको स्माइल कर रही है। ये उसके कदमों की तरफ देखता है, क्या बात है, उसके पैर लिटरली उल्टे हैं। उसने साड़ी जो पहनी हुई है वो साड़ी की लेंथ काफ़ी छोटी है, नीज के थोड़े नीचे आई हुई है, घुटनों के थोड़े नीचे, और पैर उसके उल्टे दिखाई दे रहे हैं। और ये नॉर्मल टाइप की साड़ी नहीं पहनी अब, पहले नॉर्मल साड़ी में दिखी थी, लेकिन अब कुछ अलग ही टाइप का इसने पहनी हुई है। मतलब ये मिनी साड़ी, माइक्रो साड़ी, पता नहीं क्या कहेंगे, कुछ तो अलग पहनी हुई है। और बहुत वियर्ड तरीके से इसको देख के हंस रही है, इतना बड़ा बिंदा लगाई हुई है और बाल उसके बहुत लंबे और हवा में लहरा रहे हैं। बोला शिट, ये क्या है यार, मैं जाता हूँ और सोता हूँ। वैसे भी उसने बोली थी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, अब डरने से क्या फ़ायदा है, मैं तो जो चाहता हूँ अब ज़िंदगी में वो सब कुछ मिलेगा। ऐसा बोल के ये अंदर अपने कमरे में आ गया वापस से। सोचा मैं सो जाता हूँ। जैसे ये सोया है, इसकी उंगली में बहुत ख़तरनाक बर्निंग सेंसेशन हुआ, जिस उंगली में इसने वो औरत की दी हुई अंगूठी पहना था, बहुत ज़ोर से जलने जैसा हुआ। ये तुरंत झटका मार के उठा थोड़ी देर बाद, और देखा कि लिटरली वो जो अंगूठी है वो आग के जैसे तप रही है। वो सोने टाइप की अंगूठी थी। अब सोना अचानक से तपने लगे तो कितनी जल्दी सोना पकड़ लेता है गर्म को, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। और लिटरली उसकी उंगली बहुत जलने जैसी हो रही थी, वो उस अंगूठी को उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मानो उस अंगूठी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है, उतरना ही नहीं चाह रही है। और जितना ये खींचने की कोशिश कर रहा है उतना ही ज़्यादा इसको दर्द और बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है, कि इतने में इसको किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गया कि कौन रो रहा है। वो भागता हुआ नीचे की तरफ गया। ये आवाज़ इनके बेसमेंट से, स्टोर रूम की तरफ से आ रही थी। जी हाँ, इनका बेसमेंट में एक छोटा सा स्टोर रूम भी था। ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचा है तो इसको एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, और साथ ही साथ वो रोने की आवाज़ बहुत ही क्लियर सुनाई देने लगी। इसने इस बेसमेंट का लाइट ऑन करने की कोशिश किया, लेकिन लाइट ऑन नहीं हुआ। किस्मत से इसने अपने पास एक छोटा वाला मोबाइल रखा हुआ था जिसमें फ्लैशलाइट था। फ्लैशलाइट चालू किया और कौन है कौन है कौन है बोलते हुए पूरे स्टोर रूम में देखा है, लेकिन इसको कोई भी दिखाई नहीं दिया, लिटरली कोई भी नहीं। इसने बोला छोड़ो, ऊपर ही जाता हूँ। ये जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर में अपने रूम की तरफ आया है तो क्या देखता है कि जो इसका बिस्तर है वो बिस्तर के ऊपर कोई सो रहा है, उसने चादर ओढ़ा हुआ है। ये बोले ये कौन आ गया। मन में आया कि कहीं वो परी आकर तो नहीं सो गई। कौन हो आप, उठो मेरे बिस्तर से, मैं सोऊंगा वहाँ पे। कुछ रिस्पॉन्स नहीं है बॉडी में, कुछ हलचल नहीं है। कितने में इसको कुछ तो भी पैरों में महसूस हुआ। ये अपने पैरों की तरफ देखता है तो क्या पता है, शिट, बिस्तर में जो कोई भी सो रहा है उससे खून बहता हुआ नीचे गिर के मेरे पैरों तक आ गया। ये ज़ोर से चिल्लाया और भाग के जो भी सर तक ओढ़ के सो रहा था अपना, उसका चादर हटाने के लिए जैसे गया है, चादर हटाया, क्या देखता है, कोई और नहीं बल्कि ये खुद है। बहुत जोर से चीख मार के ये हो गया बेहोश, बहुत जोर से डर गया ना। फिर लगभग 3:30 बजे के आसपास किसी आवाज से वापस से इसकी आंखें खुली। ये जमीन पर पड़ा हुआ था, कोई खून नहीं है, बिस्तर में भी कोई नहीं है, लेकिन हाँ फिर से एक रोने की आवाज सुनाई दे रही है, सेम बिल्कुल वैसी जो थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी। इसको समझ में नहीं आया जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सपीरियंस किया था वो रियलिटी थी या सपना, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन हूबहू वही सिचुएशन में उसी प्रकार से आवाज़ आ रही थी। ये फिर से वैसे ही अपना मोबाइल उठाया फ्लैशलाइट वाला, नीचे की तरफ पड़ा है, वैसे ही रोने की आवाज़ आ रही थी। बेसमेंट का दरवाज़ा खोला है, लाइट ऑन करने की कोशिश किया, लाइट ऑन तो नहीं हुआ, लेकिन फ्लैशलाइट मार के पूछा कौन है कौन है, किसकी फ्लैशलाइट के सामने वही आई, वही औरत जिसे ये परी समझ रहा था। ये परी नहीं थी, आगे आपको बताऊंगा मैं।
ये चिल्ला के भागा है बहुत जोर से, क्योंकि अब सहन से बाहर है, क्योंकि इसने कुछ बहुत डरावना एक्सपीरियंस कर लिया है। अब इसको यही समझ में नहीं आ रहा है ये सब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये मजाक कर रहा है कोई या सपने में हो रहा है, ये एक रियलिटी है जो कि बड़े एक्सट्रीम लेवल से डिफरेंट है, जिस रियलिटी के ऊपर दुनिया में कोई विश्वास नहीं करेगा, वो हो रहा है क्या मेरे साथ, इसको नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा वापस से फर्स्ट फ्लोर में, सेम टू सेम इसको बिस्तर में इसके कोई चादर ओढ़ा सोया हुआ दिखाई दिया है। बोला शिट, इससे पहले मेरे पैर में कुछ तो भी गीला गीला महसूस हो, मैं नीचे झुक के देखूं कि ये खून है, फिर भाग के जाऊं, चादर हटाऊं और फिर देखूं कि ये मैं ही हूं, उससे पहले मैं घर से भाग जाता हूं। ये चिल्लाता हुआ भागा घर से बाहर गंदी तरीके से। किस्मत से मम्मी पापा रिटर्न मार रहे थे किसी रीजन से, वहां पे फंक्शन में उनको उतनी ही देर रुकना था, रिटर्न मार रहे थे, घर से बाहर निकले ही है कि मम्मी पापा की कार एंटर करी। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ऐसा क्या भाग रहे थे 9 बजे? इसने मम्मी पापा को रोते रोते पूरी बात बताया, अंगूठी भी दिखाया, ये देखो ये निकल नहीं रही है। मम्मी पापा दोनों ने टच करके देखे तो टच नहीं कर पा रहे थे, बोले बेटा ये तेरी उंगली में हाथ में है कैसे, अब तक इतनी गर्म लग रही है, कुछ गड़बड़ है, ताल लगाओ बाहर से। मम्मी जल्दी से गई बाहर की बाहर, ताल लगाई घर में, और बेटे को लेकर ये अपने किसी रिश्तेदार के पास गए, जो रिश्तेदार ऐसी ऐसी चीज़ों के जानकार थे, और रिश्तेदार के सामने पूरी बात सब कुछ बताया इसने, हाँ सब कुछ। रिश्तेदार ने बोले ठीक है, काली माता के वो बहुत बड़े भक्त थे, काली माता के मंत्रों के उच्चारण की मदद से उन्होंने अंगूठी के ऊपर क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, और फिर एक गंगा जल था लोटे में, उसमें हाथ डुबवा दिए और गंगा जल के अंदर ही खोले, वो अंगूठी खुल गई, बाहर नहीं खुल रही थी, ऐसे कई मंत्र पढ़े फिर ऐसे अंगूठी खुली। और बोले इसको ले जाकर सीधे ऐसी जगह विसर्जित करके आओ, ये अंगूठी सहित या गंगा जल सहित, जहाँ पर तुम लोग वापस से कभी ना जाओ। बोले किधर जाएंगे, बोले आप ही चलो। तो वो अंकल जी और इसके पापा दोनों कार से कहीं गए, कहीं तो भी विसर्जन करके आए होंगे, फिर जब लौटे हैं तब तक तो सुबह हो चुकी थी, फिर जाकर पूछे कि क्या हुआ था क्या नहीं। अंकल जी ने इसके पापा को तो रास्ते में पूरी बात बता दी थी, क्या सीन हुआ होगा क्या नहीं, अब मम्मी को पता चल रहा है, अब अपने शौर्य को पता चल रहा है। अंकल जी बता रहे हैं कि ऐसी शक्तियाँ कई प्रकार की पिशाचनियों का रूप होती है, कई बार ऐसी पिशाचनियाँ जो होती है वो किसी से भी अट्रैक्ट हो जाती है, अगर कोई भी अपनी दुखों से परेशान है किसी भी चीज़ से, ये उनके आसपास आ जाती है, उनसे मदद करने की कोशिश करती है, वो मदद तो कर देती है लेकिन फिर उसके बदले उनको कुछ चाहिए होता है, और वो कुछ नॉर्मल नहीं होता है, वो बड़ा ही खतरनाक होता है। जैसे रिटर्न में, जैसे तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश है, किसी की भी कोई भी ख्वाहिश, जैसे यहाँ पर शौर्य की ख्वाहिश थी कि अपने क्लास पे टॉप कर ले, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, पिशाचनी समझ गई कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बहुत अच्छी बन के इसके पास आ गई, बेटा मैं तेरे को टॉप करा दूंगी, कितनी सुंदर हूँ ये वो सब करके इसको अट्रैक्ट कर लिए, बच्चा खुश हो गया, ये कर भी लिया उसकी शक्तियों की वजह से कुछ बड़ी चीज़। फिर रिटर्न में या तो वो इसकी जान लेकर जाएगी, या इसके परिवार में से किसी की जान लेकर चली जाएगी, या कुछ तो भी ऐसा कर देगी जिसकी वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। ऐसी पिशाचनियाँ होती हैं जो लड़कों से चिपकती हैं ना, ज़्यादातर खासकर लड़कों से चिपकती हैं, पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहती हैं, उनसे शादी भी करती हैं और उनको कभी छोड़ती भी नहीं है। ऐसा वाले केसेस भी बहुत सारे सामने आए हैं, मेरे खुद के सामने आए हैं, मैंने खुद सुनी हूँ ऐसे केसेस के बारे में। सही बात है, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि शौर्य ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, तो हमने सोचा आप लोगों के सामने लेकर आना चाहिए। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।